Hello, bachcho. Let's see this question. So the question over here says, consider the following statements, each with two blanks. A. Seminiferous tubule produce one, while Leydig cells produce two. Option B. In females, urethra is small and conducts three, while in male it conducts urine and four. C. The process of formation of spermatozoa from spermatogonia is called fifth, and the process of maturation of spermatids into the spermatozoa is called sixth. सो यहाँ पे हमें चार डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है एंड हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स गिवन है जिसमें हमारे सिक्स ब्लैंक्स गिवन है. हमें बताना है कौन सा मोस्ट ट्रू सूटेड है इसमें. सो अब अगर की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो की कॉन्सेप्ट है हमारा स्पर्माटोजेनेसिस. स्पर्माटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्माटोजेनेसिस हमारा प्रोसेस होता है जिससे जिसमें हमारे जो स्पर्म सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है. सो दिस इज द प्रोसेस वेयर द स्पर्म सेल डेवलप. एंड अगर अब हम इसमें बात करते हैं कि हमारे कौन से स्टेजेस होते हैं, तो हमारा प्राइमरी स्टेज आता है विच इज स्पर्माटोगोनिया. स्पर्माटोगोनिया इसमें देखा जाता है कि हमारा स्पर्माटोगोनिया यहाँ पर हमारा जो है वो मियोसिस सॉरी माइटोसिस होता है. देन फर्दर जाता है हमारा टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स. यहाँ पे इनकी मियोसिस देखी जाती है. अगर आगे बात करते हैं तो फर्दर जाता है विच इज नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जाती है विच इज स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस में यहाँ पे डिफरेंसिएशन देखा जाता है एंड जो स्पर्माटिड्स होते हैं वो बनते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा आता है स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन में जनरली देखा जाता है दैट हमारे जो स्पर्म सेल्स हैं मेच्योर स्पर्म सेल्स ये बनने के बाद ये जो है फर्दर रिलीज होता है रिलीज हो जाते हैं. नाउ अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट ए की. सो स्टेटमेंट ए में बोला गया है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस एंड यहाँ पर एक ब्लैंक है जिसको फर्स्ट लेबल करा गया है व्हाइल लेडिक सेल्स प्रोड्यूस. सो इसमें हमें बोला गया है कि जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं एंड जो हमारे लेडिक सेल्स होते हैं ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं. सो अगर हम बात करते हैं हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की. सो जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ये हमारा स्पर्माटोजोआ प्रोड्यूस करता है. सो हेयर स्पर्माटोजोआ इज प्रोड्यूस. सो हेयर स्पर्माटोजोआ स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सो यहाँ पे फर्स्ट है. अगर बात करते हैं सेकेंड की तो जो लेडिक सेल्स होती हैं वो हमारा टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं. सो टेस्टोस्टेरोन जो होता है हमारा मेल हार्मोन होता है एंड इसको हम लेबल कर देते हैं सेकेंड. अगर हम बात करते हैं तो ये जो दोनों हैं ये हमारे मैच कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए से. फर्दर देख लेते हैं स्टेटमेंट बी जो हमें गिवन है वो है इन फीमेल्स यूरेथ्रा इज स्मॉल एंड कंडक्ट्स. सो यहाँ पे थर्ड ब्लैंक दिया गया है. सो इट कंडक्ट्स एंड व्हाइल इन मेल्स. सो व्हाइल इन मेल्स इट कंडक्ट्स यूरिन एंड इट कंडक्ट्स यूरिन एंड फोर्थ. सो अगर हम बात करें कि जो यूरेथ्रा फीमेल्स में कंडक्ट करवाता है वो क्या होता है, ये होता है यूरिन. सो जो हमारा थर्ड है वो हमारा यूरिन बोला गया है इसमें. एंड अगर हम बात करते हैं फोर्थ की तो फोर्थ जो है ये हमारा सीमेन होता है बिकॉज ये यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द यूरिन. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारा सी की. सी स्टेटमेंट में गिवन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटोजोआ फ्रॉम स्पर्माटोगोनिया. सो इसमें बोला है कि जो फॉर्मेशन होती है स्पर्माटोगोनिया इसको हम बोलते हैं फिफ्थ लेबलिंग है यहाँ पे एंड इसमें ही आगे कंटिन्यू करा गया है. एंड जो
प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्माटिड्स. Into spermatozoa, इसको लेबलिंग दी गई है सिक्स. सो अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप की, जो फिफ्थ है, इसमें हमारा ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं स्पर्माटोजेनेसिस. सो ये स्पर्माटोजेनेसिस जो है ये हमारी फिफ्थ लेबलिंग हो गई है. एंड अगर हम बात करें सिक्स की, सो यहाँ पे होती है हमारी स्पर्मियोजेनेसिस. नाउ अगेन ये जो दोनों मेंशन है ये हमारे ऑप्शन ए से मैच कर रहे हैं. देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि फिफ्थ हमारा स्पर्माटोजेनेसिस मेंशन है, सिक्स स्पर्मियोजेनेसिस, फर्स्ट स्पर्माटोजोआ एंड सेकेंड टेस्टोस्टेरॉन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.